हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर वीडियोस। एंड आई होप करता हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यार बढ़िया होंगे। एंड भाई आज भी हमारे पास काफ़ी सारे यार न्यूज़ अपडेट्स हैं, तो भाई एंड तक वीडियो को देखते रहना। चलिए बढ़ते हैं यार अपने पहले अपडेट्स में। तो यार हम लोग भाई बात करते हैं गौरव तनेजा एंड साथ में भाई ध्रुव राठे की हुई नई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो जैसे कि भाई दिन प्रतिदिन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी यार कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। तो भाई आज ध्रुव राठे यार एक भाई कॉमेंट्स करते हैं जो कि भाई इनको थोड़ा ट्रोल करते हैं ट्विटर पर। तो भाई वो कहते हैं, नो कॉन्ट्रोवर्सी सेव ऑफ आवर डाइविंग करियर, गौरव नॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग यू काइंड ऑफ ड्रामा, यू गोट ऑफ अ मेक valuable content that let suggest of YouTube blueprint course in you need help good luck। एंड भाई नीचे यार वो देते हैं गौरव तनेजा का भाई कुछ करियर YouTube का जो कि टाइम पे भाई थोड़ा डाउन चल रहा है। एंड गौरव तनेजा भाई उनका ट्वीट करते हुए कहे, ईमानदारी की कमाई और रोटी का सुख तुम क्या जानो भाई। एंड उनका एक और भाई ट्वीट आता है जिसमें भाई वो कहते हैं, वाई ऑफ आर डिफरेंट यू ओपिनियन एक्सिट ऑन द इंटरनेट। एंड आंसर देते हैं, माई इंस्टाग्राम फॉलोवर स्क्रीनशॉट। एंड ध्रुव राठे भाई कहते हैं, मी स्टॉप ऑफ एंटी इंडिया अगेंस्ट एजेंडा। गौरव कहते हैं, वाई डिफरेंट यू ओपिनियन एक्सिट ऑफ इंटरनेट, मी ओके आई लेट एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन यू। गौरव हे मेरी रोटी मेरी स्क्रीनशॉट। एंड बाकी यार ध्रुव राठे के भाई ट्वीट के बाद भाई गौरव तनेजा सर का भाई कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, बट उस पर भाई रिएक्ट करते हैं इंजीनियर एक्सप्लेन भाई। वो कहते हैं, दिस नाइन्थ फेल कैन यू काउंटर यूट्यूबर फ्रॉम डिफरेंट गैनरे माई ब्लॉक एक्सपर्ट। एंड बेसिकली यार वो बात कर रहे हैं जो कि भाई ध्रुव राठे है, जब भी भाई वो ध्रुव राठे को कुछ भी कहते हैं ट्विटर वगैरह पे तो भाई वो उनकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं देते, बल्कि यार उसको हाइड करके भाई ब्लॉक कर देते हैं। एंड बाकी यार वो यही कहना चाह रहे कि भाई तू फट्टू है बेसिकली यार। बोलते हैं दोनों के बीच के भाई कॉन्ट्रोवर्सी तो चलती रहेगी। तो यार हम लोग भाई बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो भाई जैसे कि यार आज भाई बिग बॉस का प्रोमो है, बट भाई उससे पहले यार एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हमको देखने को मिला जो कि भाई यार मैक्सटन भाई, यार मैक्सटन को भाई बिग बॉस वाले बुला रहे थे, बट अभी के टाइम पे भाई उनको यार उनको फोन वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो भाई उनको यार टोटली पूरा रोस्ट करते हैं मैक्सटन। अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालते हैं, देखो आप एंड भाई यूट्यूब पे भी देखो। पर्सनल लेवल पे जाते हैं, उनको पता कोई दिख गया ना तुम्हारी गुद्दी डाल कर दूंगा सालो कमी। एंड बाकी अगर हम लोग यार बात कर रहे हैं बिग बॉस के बारे में, तो यार बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर आ रही है भाई वड़ा पाव गर्ल। बट भाई अभी के टाइम पे क्या भाई वड़ा पाव गर्ल यार भागी हुई है। एंड यस गाइस, यार कोई भाई विक्की ठाकुर है जो कि भाई कोई सिंगर वगैरह है, तो बेसिकली भाई जो कि यार है भाई वड़ा पाव गर्ल भाई उनको कुछ कहती है कि भाई मैं तुमको कुछ ऐसे पैसे वैसे दूंगी तो भाई मेरे यार बनवाओ थोड़े कुछ एडिट्स। बट अभी के टाइम पे भाई वो चले गई है बिग बॉस में, एंड भाई वो उनको पूरा टोटल यार रोस्ट करते हैं। एंड एक भाई अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को भाई कुछ बताते हैं उनके पैसे वगैरह के बारे में, देखो आप की असलियत क्या है मैं बताऊंगा। एक एक प्रूफ है मेरे पास। घरवालियों भेज रही हूँ क्योंकि आज शायद आज सुबह 6:30-4 बजे वापस मेरा पिकअप है। वड़ा पाव की आवाज सुन ली होगी आपने, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। इसने मुझे धोखा दिया है, वड़ा पाव ने मेरा यूज किया, मेरे सारे लिंक यूज करे। जब पैसे देने की बारी आई, जो मैंने इसका काम करवाया, इसके फैन पेजेस, इसके जितने भी काम है, जब पैसे देने की बारी आई तो ये भाग गई सीधा मुंबई बिना मुझे बताए। और इसका पति मुझे बोलता है कि नहीं अभी तो सिर्फ हमारी बात ही चल रही थी, पैसे तो अभी देने ही नहीं थे। मेरे हराम के पैसे नहीं है, या तुम्हारी प्रमोशन का भुगतान मैं नहीं करूंगा। एक एक प्रूफ है मेरे पास, एक एक चैट है मेरे पास, और भी इसके बहुत सारे राज हैं जो धीरे धीरे सब खोल दूंगा अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो। एंड बाकी सब मुद्दे पे भाई रिएक्ट करते हैं थारा भाई जोगिंदर, वो भी यार एक इंस्टाग्राम स्टोरी को डाले, मैसेज कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। मैंने स्टोरी लगाई है बस अपने विक्की भाई के साथ जो है, और रही मेरी बात, सोते हो शेर को मत जगाओ, अगर जोगिंदर बोलने पा गए ना सारी सच्चाई निकाल दूंगा। विक्की ठाकुर जोगिंदर का भाई है, ठीक है, मेरे को घंटा लेना देना नहीं है वड़ा पाव से, कौन वड़ा पाव है कौन नहीं है अपने घर की होगी। जोगिंदर अपनी मर्जी का मालिक है, अगर विक्की ठाकुर पे आ गई, जोगिंदर खड़ा है विक्की ठाकुर के पीछे, देख लेंगे। एंड चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में। तो यार हम लोग बात करते हैं एक भाई केरला की लड़की के बारे में। आप लोग यार उसका फोटो भाई देख ही पा रहे होंगे। तो बेसिकली भाई जो कह रही है लड़की है अरब के टाइम पे भाई बताया जा रहा है जो कि भाई यार इंडिया के अंदर हंगामे वगैरह हो रहे हैं, जो कि भाई यार कुछ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो भाई उन सब में इसका भी कुछ हाथ है बेसिकली यार, जुड़ी हुई है पाकिस्तानी भाई कुछ आतंकवादी से। एंड इस चीज़ पर उनको भाई काफ़ी ट्रोल मिल रहा है। तो बेसिकली भाई कोई यार यूट्यूबर है जो कि यार लाइव वगैरह भाई वीडियोज़ बनाते हैं, एंड भाई कुछ ओमेगल के थ्रू ये आती है भाई, वो बताती है वहाँ पे, देखो। सपोर्ट द अटैक, so tomorrow, yes. let's see tomorrow Pakistani comes in India just like they did in Mumbai,
They come and they shoot randomly people. So you support that. Okay. But you don't support. Yes. But you don't support when Israel. I said does, yes. Yeah, and you don't support when Israel does that to Palestinians. I said I support Pakistan coming and shooting Mumbai. Wow. Why you have so much hate in your heart? Because Mumbai is such a shitty place. I hate people from Mumbai. Bro, this is the problem, you know, guys. And बाकी यार ये वाली वीडियो वायरल होने के बाद काफी लोग यार भाई पुलिस वगैरह से भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस लड़की का बाइकॉट होना चाहिए एंड इसको तो यार हमारे इंडिया वगैरह से भाई भगाओ यार, इसको पाकिस्तान में भेजो। एंड बाकी आप क्या सोचते हैं भाई, आप लोग कमेंट्स में बताना। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में। तो यार बात करते हैं रचित रू के बारे में। तो भाई किस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा है रचित रू? एंड बेसिकली भाई कोई यार मीम बनाता है एंड उस चीज पे भाई वो रिएक्ट करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में एंड भाई काफी ज्यादा यार भाई वो गुस्सा हुए यार उस चीज से। एंड बेसिकली यार भाई कोई उनको यार झुकाई वगैरह होता है एंड भाई काफी ज्यादा यार भाई एंग्री हुए हैं वो। तो मैं आपको उनके लाइव स्ट्रीम का एक क्लिप देखो। मैं तो इनकी कैटेगरी से भी नहीं आता, ठीक है ना। मैंने कोई चीज इनके बारे में कभी, तुमने कभी मेरे मुंह से कभी भी किसी के बारे में बुरा सुना है? मैंने लाइक ऑनेस्टली आई रियली वांट टू नो एट दिस पॉइंट, क्या तुमने कभी भी सुना है कि मैंने अर्पित के बारे में, अर्पित भाई के बारे में या जैक्स के बारे में ऑन स्ट्रीम बुरा बोला हो, ठीक है, या ऑफ स्ट्रीम भी बुरा बोला हो? ठीक है, मैंने कभी भी नहीं बोला भाई, समझे, कभी भी नहीं बोला मैंने, ठीक है। आई नेवर सेड एनीथिंग टू एनीवन। एंड तो और मैं एज अ जोक ही लेता ब्रो, मैंने एज अ जोक ही मैं चीज़ लेता, मेरे को कोई सीन नहीं था। बट दिस गाय इज पीडी सुई, ठीक है, ही इज़ द मेन गाय फ्रॉम अर्पित एंड जैक्स का बंदा है, ठीक है, लाइक नॉट द बंदा लाइक तरीके से ही इज़ द गाय हु मेक्स मीम फॉर देम दिस एंड करके ऐसे करके, तो उनको पता है इसके बारे में एक तरीके से। तो उस बंदे ने मीम तो आई वाज लाइक कि भाई तुम मेरे को इसमें क्यों टारगेट कर रहे हो, क्योंकि मैं तो अर्पित भाई जैसे और जैक्स जैसी स्ट्रीम भी नहीं करता, मेरा एक अलग ही कैटेगरी है, ठीक है। फॉर नो रीजन एट ऑल दे स्टार्टेड मेकिंग मीम्स ऑन मी एंड अभी एक तरीके से सिंपली ऑन सेंस दे आर वुलिंग मी, ठीक है, दे आर लिटरली वुलिंग मी। अब वो बोल रहे कि बच रचित पास्ट में ये करता था, रचित अभी ये करता है, दिस एंड दैट, ये एंड वो एंड। तो चलिए बाकी गाइस आज के लिए मेरे को बस कुछ यही वाले अपडेट्स मिले थे एंड आई नो कि यार आप लोग भाई वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, तो यार भाई सब्सक्राइब करे बिना मत जाना एंड मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।